नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का व्यू क्या हो सकता है और आज कैसे ट्रेड हुआ, कल कैसे ट्रेड हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी। देखिए सबसे पहले हम निफ्टी की बात करें तो देखिए निफ्टी जो है आज ज्यादा वीक था, बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था निफ्टी के कंपैरिजन में। देखिए पहले आधे घंटे में ही बात करें तो यहाँ पर निफ्टी अपना वीकनेस दिखा चुका था, ये ग्रीन कैंडल बना, ये रेड कैंडल बना। उसके बाद निफ्टी में जो सेल करने का ट्रिगर मिला, आप यहाँ पर सेल कर सकते थे, यहाँ पर सेल करते अच्छा खासा यहाँ पर देखिए प्रॉफिट मिलता। फिर यहाँ पर लास्ट वन आवर में रिकवरी काफी फास्ट हुआ, हाफ आवर्स में ही काफी रिकवरी हुआ, तो यहाँ पर रिकवरी भी देखने मिला है। लेकिन अभी जो इसमें ट्रेंड लाइन बन रहा है, देखिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने मिलेगा। कब मिलेगा? जब यहाँ पर फ्लैट ओपन हो, ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन हो, फिर मोमेंटम जो आएगा निफ्टी में वो काफी जबरदस्त होगा। अगर आज के मोमेंटम की बात करें तो देखिए आज भी यहाँ छोटा सा एक ट्रेंड लाइन बना था जिसके बाद मोमेंटम काफी अच्छा हुआ था। देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना और ये जो पैटर्न है आप देख सकते हैं, एक साइमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है और इस ट्रायंगल को जैसे यहाँ पर ब्रेक किया, इसलिए मैंने बोला यहाँ पर आप ट्रेड लेते अच्छा खासा यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलता। काफी बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप था आज का, तो अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया तो काफी अच्छा प्रॉफिट आपका हुआ होगा। अगर आप लाइव मार्केट में जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी है इसके चार्ट को देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या आप स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर। अब उसके बाद करते हैं बैंक निफ्टी का, तो देखिए बैंक निफ्टी में जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना है वो ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन बना है, अब देखिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक किया है तो इसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर सस्टेन हो या कहीं यहाँ पर रिटेस्ट हो, रिटेस्ट होने के बाद एक रेंज बनाए, एक छोटा सा रेंज बनाने के बाद जैसे बैंक निफ्टी ऊपर की ओर ब्रेक करता है उसको रेंज को, या कहीं यहाँ पर ये जो लेवल आज हाई लगा है 35,750 का, इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें एक मोमेंटम ऊपर की ओर देखने मिलेगा। बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग था क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले 15 मिनट कैंडल काफ़ी ज़बरदस्त बुलिश कैंडल बना और यहाँ पर जो रेड कैंडल बना वो काफ़ी स्मॉल था और उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी ऊपर ही चला गया जबकि निफ्टी नीचे आ गया था फर्स्ट आवर के बाद। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो शार्प रिकवरी देखने मिला वो यहाँ पर सपोर्ट से मिला, ये सपोर्ट जो है वो है 35,290 का। 35,290 को जब तक बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करता है तब तक ये वीक नहीं होगा, तो इस सपोर्ट रीजन को आप हमेशा याद रखिएगा, इसके आसपास के रीजन पे ये यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। नीचे का जो रीजन है 35,200 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 35,200 से लेके 35,290 ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसके नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे 35,200 के नीचे जो कि 35,000 के लेवल के लिए हम सेल कर सकते हैं। वहीं पर बैंक निफ्टी यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 35,755 को ब्रेक करता है तो हम इसको बाय करेंगे, अगर काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन या गैप अप हो जाता है तो फिर आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से वहाँ ट्रेड करना है, प्राइस एक्शन किस हिसाब से बन रहा है। अब बात कर लेते हैं डेली चार्ट पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या व्यू हो सकता है। अब देखिए डेली चार्ट पर बात करें तो निफ्टी जो आज ही वीक हुआ है, बैंक निफ्टी पहले से वीक है डेली चार्ट पर, और वह अगर ये निफ्टी जो है इस लेवल को निकालता है जो कि है 16,690 का, 16,690 को निकालता है 700 के ऊपर जाएगा 16,700 के, तो निफ्टी यहाँ पर बुलिश हो जाएगा। वहीं अगर निफ्टी ब्रेक करता है इस लेवल को, नीचे की ओर जो ब्रेक करेगा 16,400 के लेवल को, तो फिर से बेरिश हो जाएगा क्योंकि 16,400 पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था, तो अब ये स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अभी भी निफ्टी जो है बुलिश नहीं है, बुलिश तब होगा जब ये 16,700 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, तो 16,700 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर बुलिश होने के लिए, तो आप ध्यान रखेंगे इस लेवल का। फिर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो बुलिश होगा तब जब ये 36,100 के लेवल को ब्रेक करेगा, देखिए ये 36,100 का जो लेवल है इसके ऊपर निकलता है तो बैंक निफ्टी बुलिश हो जाएगा। वहीं बैंक निफ्टी काफी ज्यादा यहां पर सपोर्ट ले रहा है इस रीजन से जो कि है 35,290 का। वहीं बैंक निफ्टी डेली चार्ट पर पूरी तरह से बेरिश तब होगा जब ये 34,800 के लेवल के नीचे जाएगा, तो इसका जो सपोर्ट रीजन है 34,800 से लेकर के 35,290, तो ये एक बड़ा जोन है जो कि सपोर्ट का काम कर सकता है डेली चार्ट पर। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के। अब बात कर लेते हैं जो स्टॉक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी को मूव कर सकता है। देखिए अगर बैंक निफ्टी स्ट्रांग होता है तो वो निफ्टी को भी ऊपर लेके जाता है, बैंक निफ्टी वीक होता है तो निफ्टी को भी नीचे लेके आता है, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी को ऊपर या नीचे लेके जा सकते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री बैंक निफ्टी में तो नहीं है लेकिन निफ्टी में है। देखिए रिलायंस में ये ट्रेंड लाइन बना, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है डेली चार्ट पर
तो ये निफ्टी को नीचे लेके आएगा, क्योंकि 11% वेटेज जो है रिलायंस का अकेले है, 10% के आसपास HDFC बैंक का है, इंफोसिस का 5%, TCS का 5% और HDFC लिमिटेड का 5%। अगर रिलायंस ब्रेक करता है इस ट्रेंड लाइन को तो फिर ये निफ्टी को नीचे लेके जाएगा। वहीं दूसरा है इंफोसिस 5% वेटेज के साथ। इंफोसिस यहाँ पर वीक हो चुका है, ऐसे भी पहले से IT सेक्टर पूरा का पूरा वीक है, तो अभी बैंकिंग सेक्टर और रिलायंस यही निफ्टी को ऊपर सस्टेन किया हुआ है। तो इंफोसिस नीचे मूव करता है तो निश्चित रूप से निफ्टी को वीक बनाएगा। फिर यहाँ पर TCS भी वीक है, मतलब पूरा IT सेक्टर ही वीक है, तो ये जो है निफ्टी को थोड़ा सा वीकनेस दिखा सकता है निफ्टी में। फिर HDFC की बात करें तो HDFC देखिए यहाँ पर बुलिश तब होगा जब ये 2390 रुपये के ऊपर निकलेगा, 2390 के, और अगर वहीं 2285 के नीचे चला जाए तो HDFC वीक हो जाएगा। तो ये भी जिस तरह से मूव करेगा तो थोड़ा बहुत निफ्टी को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन वहीं बैंकिंग सेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए बैंकिंग सेक्टर कब मूव करेगा, अगर बैंकिंग सेक्टर मूव करता है तो निश्चित रूप से वो निफ्टी को भी स्ट्रांग रखेगा। और देखिए बैंकिंग सेक्टर बुलिश तब होगा जब यहाँ पर HDFC बैंक बुलिश हो। HDFC बैंक कब बुलिश होगा, जब ये 1420 के ऊपर निकलेगा, तो 1420 के ऊपर जब निकलता है तो ये बुलिश हो जाएगा। वहीं अगर HDFC बैंक 1375 के नीचे चला जाता है तो फिर ये वीक हो जाएगा। 1375 के नीचे HDFC बैंक वीक हो जाएगा तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को नीचे ले जाएगा, और वहीं 1420 के ऊपर HDFC बैंक स्ट्रांग हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये निफ्टी बैंक को भी ऊपर ले जाएगा, निफ्टी को भी। दूसरा बात करें तो ICICI बैंक काफ़ी स्ट्रांग है, और अभी बैंक निफ्टी स्ट्रांग है तो उसका कारण है ICICI बैंक, क्योंकि ICICI बैंक काफ़ी स्ट्रांग है चार्ट पर, और ये देखिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर इसमें वीकनेस आ सकता है। तो ये अभी तो ऊपर की और मोमेंटम ही दिखा रहा है, और ग्रीन कैंडल आज भी बनाया है। फिर देखिए एक्सिस बैंक ये थोड़ा सा वीक है, ICICI बैंक काफी स्ट्रांग है और जो कि बैंक निफ्टी को ऊपर रखा है, यहाँ पर वीक है क्योंकि इसमें कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं, जबकि ICICI बैंक में देखिए जो मोमेंटम है वो ऊपर की ओर है, और मोमेंटम का स्ट्रेंथ भी काफी स्ट्रांग है, मतलब इसमें स्ट्रेंथ ही भी है और मोमेंटम भी ऊपर की ओर है, इसलिए जो बैंकिंग सेक्टर है उसको ऊपर रखा है, मतलब निफ्टी बैंक को ऊपर रखा है। देखिए एक्सिस बैंक में कोई यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं है, मोमेंटम भी ऊपर की ओर नहीं है, और मोमेंटम कोई स्ट्रेंथ भी नहीं है, थोड़ा सा ये ऊपर की ओर मोमेंटम करता है फिर नीचे आता है, तो ओवरऑल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये बेरिश हो जाएगा एक्सिस बैंक। फिर आता है कोटक बैंक। देखिए कोटक बैंक यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग था, मतलब मोमेंटम ऊपर की ओर था और मोमेंटम में स्ट्रेंथ भी थोड़ा बहुत था, लेकिन यहाँ पर जो अब कोटक बैंक का जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, और ये दो दिन से यहाँ पर देखिए नीचे की ओर मूव किया, आज यहाँ पर थोड़ा सा ये ग्रीन कैंडल बनाया है, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो कोटक बैंक भी वीक हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक करने से एक्सिस बैंक कोटक बैंक दोनों का दोनों वीक, साथ ही साथ SBI भी वीक, तो यहाँ पर देखिए ये भी वीक हो जाएगा, SBI भी अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो तीन बैंक वीक होता है, तो निश्चित रूप से लगभग 30% से अबव का वेटेज है, तो ये निफ्टी बैंक को ऊपर नहीं जाने देगा। साथ ही साथ अगर ICICI बैंक और HDFC बैंक वीक होता है तो फिर हमारा बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा, तो हमें सेल करने के लिए प्लान करना चाहिए। तो आपको HDFC बैंक ICICI बैंक पे ध्यान देना है कि जब भी वीक होगा तो हमें सेल करने का प्लान करना है, क्योंकि और जो तीन मेजर स्टॉक्स है SBI कोटक और एक्सिस ये पहले ही वीक है, अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो पूरी तरह से ये बेयरिश हो जाएगा और इसका जो मोमेंटम होगा वो डाउन पार्ट होगा। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था कल के मार्केट के लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस तरह के एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।